भाई विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन 9 गेम्स 9 विन्स और अब अपनी इंडियन टीम सेमीफाइनल में बैठी है। सच बोलूं तो थोड़ा सा फियर्स लग रहा है ब्रो, लेकिन भाई अभी तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि अपनी इंडियन टीम को दिवाली पे लीग के लास्ट मैच पे इतना बढ़िया एंड मिल गया। भाई तुम देख रहे हो क्या सॉलिड बैटिंग परफॉर्मेंस थी इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स में। रोहित ने 50 मारी, कोहली ने 50 मारी, शुभमन ने भी 50 मारी और उसके बाद हमारे दो डिपेंडेबल मिडिल ऑर्डर के हीरे बैट्समैन श्रेयस अय्यर और केएल राहुल दोनों ने सेंचुरी लगा दी। यार इससे बढ़िया बैटिंग में परफॉर्मेंस नहीं आ सकती थी जस्ट सेमीफाइनल से पहले। ऊपर से अगर ये सब कम पड़ गया था तो हमें कोहली रोहित की बॉलिंग के दर्शन भी हो गए और उन्होंने विकेट भी निकाल ली। विश्वास नहीं हो रहा था भाई, लेकिन शुभमन सूर्या रोहित कोहली सब लोग बॉलिंग कर रहे हैं भाई और मजे में खेल रहे थे। मतलब तुम ऑनेस्टली देखो तो अपनी इंडियन टीम फील्ड पे इतना ज्यादा एंजॉय कर रही होती है, इतनी खुश होती है कि भाई देख के ही मजा आ जाता है। बाकी कोई भी टीम इनके लेवल पे लग ही नहीं रही है यार। तुम फील्ड पे भाई हर प्लेयर्स के इमोशंस और बिहेवियर और खुशी को देख के ये कह सकते हो कि ये टीम लग नहीं रहा इस बार हारने आई है। और देखो इतना मुझे पता है कि अब इतनी मेहनत से इतनी डोमिनेशन से हम यहाँ पहुंचे हैं तो ये न्यूजीलैंड को भी सेमीज में देख लेंगे भाई, क्योंकि भाई अब अगर यहाँ पे आके कुछ इधर उधर हो गया ना तो मैं तो टूट जाऊंगा यार। देखो जानता हूँ एक दिन लेट हूँ इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स की वीडियो डालने में, लेकिन यार दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे अपन तो थोड़ा सा हो गया यार। मतलब ठीक है, अब देखो कल सेमीफाइनल भी है तो एंड में उसकी भी बात कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। वैसे मेरी तरफ से तुम सबको भी भाई बहुत बहुत हैप्पी दिवाली, एंड जिस तरह अपनी इंडियन टीम इस साल इतनी खुश लग रही है उस तरह तुम भी खुश रहो यार। वैसे पुराने चैनल पे आके अच्छा तो लग रहा है। हाँ भाई यूट्यूब वीडियो नहीं डालने दे रहे थे तो मुझे दूसरा चैनल बना लिया, उस पे भी 100 के होने वाले हैं गाइस, जरा कर देना पूरे। वैसे देखो मेन अपडेट ये है कि अब ये मेन चैनल खुल चुका है, ज्यादा देर यूट्यूब मुझे तुमसे दूर रख नहीं सकता, तो भाई अब कोशिश करेंगे इस पे भी वीडियोस आए और उस पे भी वीडियोस आए। खैर देखो अपने नेदरलैंड वर्सेस इंडिया पे वापस आते हुए भाई सबसे पहले नेदरलैंड्स को अप्रिशिएट करके साइड कर देते हैं। मतलब थोड़ा तो क्रेडिट देना पड़ेगा ना यार, श्रीलंका साउथ अफ्रीका दोनों से बेटर खेल गए हमारे अगेंस्ट। मतलब इन दोनों टीम ने जितने टोटल बनाए हैं ना हमारे अगेंस्ट उतने नेदरलैंड्स ने अकेले बना दिए। देखो ऑनेस्टली बोलूं बैटिंग के टाइम तो सब चंगा सी भाई, बहुत मजा आया रन मारते थे, लेकिन बॉलिंग के टाइम लग रहा था भाई हो गया कांड। सेमीफाइनल से जस्ट पहले हमारी इंडियन बॉलिंग ने फिर से औकात दिखा दी। आई मीन ठीक है नेदरलैंड्स के हिसाब से थोड़े ज्यादा रन पड़े, मैंने तो सोचा था 30 के अंडर ऑल आउट हो जाएगी, क्योंकि भाई थोड़ा ग्राउंड चिन्नास्वामी स्टेडियम था तो वहां पे तो रन पड़ता ही है, और वो तो देखो दिवाली का दिन था, शमी भाई किसी का मूड खराब करना नहीं चाहते थे तो ही छोड़ दिया इन लोगों को, वरना ये कहां टिक पाते शमी के सामने। बच गए तो साले, मेरे को तो जेन्युइनली लगा था इंडिया ने बैटिंग पहले कर दी है, अब इनको 50 पे ऑल आउट करके घर जल्दी चले जाएंगे और दिवाली भी मना लेंगे। लेकिन ठीक है भाई, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, रोहित भाई भी अच्छे मूड में थे तो सबको बॉलिंग पकड़ा दी। और किसने सोचा था कि हमारा राइट आर्म क्विक बॉलर सेमीफाइनल से पहले फॉर्म में आ जाएगा और क्विक क्विक विकेट्स निकाल देगा। भाई ये रचिन रविंद्र को जरा बता देना कि हमारा मेन बॉलर फॉर्म में आ चुका है तो अपनी विकेट संभाल के खेले। भाई विराट भाई कुछ भी कर सकते हैं यार, बैटिंग में तो सारे रिकॉर्ड तोड़ ही दिए हैं, वर्ल्ड कप के हाईएस्ट रन स्कोरर भी बन चुके हैं अभी, और अब बंदा बॉलिंग करके भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ओनली प्लेयर बन चुके हैं विराट भाई जिन्होंने T20 में 50 मार के एक विकेट ले रखी है और ODI में भी 50 मार के उसी मैच में एक विकेट ले रखी है, और बंदा खुश भी कितना लग रहा था विकेट लेके। कितनी प्यारी सेलिब्रेशन थी अनुष्का के साथ, एक ऐसे चेयर करने वाली तो मैं भी डिजर्व करता हूँ ना। नॉटी उड़ा के बहन के। इनफैक्ट रोहित भाई ने भी जब विकेट ली तब भी इतना बढ़िया मोमेंट बन रहा था भाई, ऐसे ही हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स देखने के लिए तो मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना छोड़ के इंडिया का मैच देख रहा था। कभी कभी जब मेरा दिन खराब जा रहा होता ना तो मैं रोहित कोहली की ऐसी बॉन्डिंग के बारे में सोच लेता और फिर मेरा दिन बढ़िया बन जाता यार। अभी तक समझ नहीं आता कि कौन इनके बीच में रिफ्ट रिफ्ट कर रहा था, यहाँ देखो भाई भाईचारा है ये। मैंने तो भाई इंस्टा पे भी लिख दिया था कि अगर विराट भाई को बॉलिंग दिए तो रोहित भाई का भी बनता है एक ओवर। वैसे इंस्टाग्राम पे भी तुम्हारा भाई आजकल मॉडल बना पड़ा है, दिवाली की एक बढ़िया सी रील डाली उस पर जाके कमेंट्स कर दो। बट भाई द मेन मैन ऑफ दिस मैच श्रेयस अय्यर एंड केएल राहुल, नहीं बता दो इससे बढ़िया टाइम हो सकता था इन दोनों का टॉप फॉर्म में आने का। मतलब अगर हमारा मिडिल ऑर्डर इस फॉर्म में रहता ना तो हमें कोई किसी चीज को जीतने से रोक नहीं सकता। जिस इंटेंट से दोनों ने नेदरलैंड्स को पेला है मेरे को फुल भरोसा हो गया इन पे। केएल राहुल को ही देख लो भाई, अभी पिछले 3 महीने पहले तुम इसको स्लो खेलने के लिए ट्रोल कर रहे थे, ठीक है तुम मतलब मैं, लेकिन पॉइंट बीइंग कि बंदे ने अब वर्ल्ड कप की फास्टेस्ट सेंचुरी मार दी इंडिया के लिए। हैंड्स डाउन भाई बेस्ट नंबर 5 ODI बैट्समैन है हमारे लिए बंदा, और दूसरी तरफ हमारा बेस्ट नंबर 4 बैट्समैन श्रेयस भाई ने तो जब से दाढ़ी उड़ाई है उसके बाद से बॉल स्टेडियम के बाहर ही उड़ी है उनके बैट से, पता नहीं भाई कब बंदा टॉप रन गेटर्स की लिस्ट में पहुंच गया एकदम से। और देखो तुम्हें एक बात बताओ, मुझे पता था अय्यर भाई इस मैच में बढ़िया खेलने वाले हैं। अरे RCB का स्टेडियम है, RCB में खेलते थे चहल भाई और चहल भाई की। खैर भाई मैं पॉइंट है इस की सेमीफाइनल से जस्ट पहले हमारा टॉप ऑर्डर हमारा मिडिल ऑर्डर सब इंटैक्ट है, अच्छा खेल रहा है टच वुड भाई। और सूर्या भाई को एक बार साइड किया जाए तो सबने सेंचुरीज लगा दी है एक एक, लेकिन शुभमन गिल अभी भी रह रहा है यार। और शुभमन भाई देखो मैं तो कहूंगा वानखेड़े का ग्राउंड है, सारा मुंबई देखने आने वाला है तो एकाध मतलब कर देना, बाकी ससुर जी भी देख रहे होंगे, मस्त प्लान है।
क्योंकि देखो सामने हमारे हिस्से में न्यूजीलैंड खड़ी है और इन्होंने हमें कभी भी नहीं बख्शा पास्ट में, और कहीं ना कहीं ये किस्मत का खेल ही है भाई कि आज हम उस टीम के सामने आके खड़े हो गए जो हमारा वर्स्ट फियर थी। इन्होंने हमें 2019 में सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक दिया था, एंड नहीं, लीग स्टेज में इनको हराना काफी नहीं था भाई, यहाँ पे हराने से हमारा बदला कंप्लीट होगा। एंड आई थिंक इनको इस मैच में हरा देना हमारे लिए फाइनल्स में जीत जाने जैसा होगा, क्योंकि मैं इतना श्योर तो हूँ कि अपनी इंडियन टीम अगर ये पड़ाव पास कर लेती है तो फिर फाइनल्स तो जीत ही जाएंगे यार। सोचो भाई अगर इनको हरा के हमें फाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया फेस करने को मिल जाती है, मतलब कितना पोएटिक हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जिन दो टीम्स ने हमें लास्ट दो वर्ल्ड कप्स में हार्ट ब्रेक्स दिए थे, उनको हम हरा के वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। ये होगा भाई अपना असली बदला। ऑल्सो देखो मेरी प्रेडिक्शन यही कह रही है कि भाई सेमीफाइनल वन तो तुम्हें पता ही है कौन जीतेगा, लेकिन सेमीफाइनल टू ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, मैं जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के साथ। तुम लोग अपनी प्रेडिक्शन कॉमेंट्स में जरूर मुझे बता देना, क्योंकि मुझे देखो भरोसा है टीम पे, इस समय कोई भी ओपोनेंट लाके खड़ा कर दो ये कर लेंगे, पर ठीक है थोड़ा सा तो गोटी मुंह में आता ही है। ये डर मुझे अच्छा लगा। एंड देखो अब अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो ये हॉट एंड कोल्ड रहे पूरे वर्ल्ड कप में, काफी अनप्रेडिक्टेबल टीम है, मोस्टली ये लोग स्मॉल टीम्स के अगेंस्ट जीते हैं और बड़ी टीम्स से हारे ही हैं। हाँ हाँ जानता हूँ पाकिस्तान से भी हारी है न्यूजीलैंड, कोई बात नहीं, कभी कभी अपसेट्स हो जाते हैं, गजब बेइज्जती है। वैसे कुदरत का निजाम कहाँ है आजकल, लगता है फ्लाइट पकड़ के कराची निकल लिया है। बट अगेन तुम्हें पता है भाई ये केएन मामा की टीम पूरे वर्ल्ड कप में चाहे कैसा मर्जी भी खेल ले, हमारे अगेंस्ट आके ये एकदम ही प्राइम ऑस्ट्रेलिया बन जाती है। ट्रेंट बोल्ट ने भी सेमीफाइनल में आने से पहले 3 विकेट लेके अपनी औकात दिखा दी। बस इस बार रोगे तो शुभमन संभाल ले भाई, क्योंकि देखो 9 मैचेस में इतनी बढ़िया बैटिंग देख के मेरे से फुटबॉल नहीं देखी जाएगी। ये लोग कह रहे हैं नो टीम हैज एवर वन अ वर्ल्ड कप आफ्टर फिनिशिंग फर्स्ट इन द राउंड रॉबिन फॉर्मेट, जो कि इस साल अपनी इंडियन टीम ने करा है, तो बेटे अगर वहाँ रिकॉर्ड्स तोड़ रही है तो यहाँ भी तोड़ ही देगी। और एक खुशखबरी तो अपनी साइड है कि इस बार वो रिचर्ड कैटल भाई नहीं है भाई अपने मैच में, वही बंदा जिसने MSD का रनआउट विटनेस किया था, तो यही बेस्ट टाइम है माही भाई का बदला लेने का। बाकी देखो टीम तो अपनी अनचेंज रहने वाली है, ऑफकोर्स हम लोग हार्दिक भाई को बहुत मिस करेंगे, लेकिन आई थिंक सूर्या भाई भी अच्छी तरह फिट इन कर चुके हैं। देखो बैटिंग इस समय अपनी टॉप नॉच है, रोहित चुम्मन अच्छी स्टार्ट्स दे सकते हैं, विराट कोहली बीच में वो एंकर रोल प्रोवाइड कर रहा है, श्रेयस अय्यर अटैकिंग खेल रहा है, KL राहुल स्लो अटैकिंग दोनों खेल रहा है, बस मुझे यही डाउट है कि सूर्या भाई पे अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो ये बंदा कैसे खेलेगा। देखो आई एम श्योर मुझे बंदे पे पूरा भरोसा है कि अच्छा ही खेलेगा, बट स्टिल लेट्स होप कि इस मैच में जरूरत ही ना आए। बॉलिंग भी अपनी सेट है, बुमराह ने रिसेंटली 2 क्रूशियल विकेट्स निकाली है, शमी भाई तो टॉप नॉच चल रहे हैं, और सिराज मियां तो आते ही 5 पे एक कर ही देते हैं आजकल। तो ठीक है भाई एवरीथिंग इज लुकिंग गुड, एंड अब बस यही होप करते हैं कि हम माही भाई का बदला पूरा ले और इनको हराए भाई। और भाई एक चीज बता दूं, अगर इस मैच में कुछ इधर उधर हो जाता है और उसके बाद मेरी वीडियो नहीं आती तो समझ जाना। एनीवे भाई काउंटडाउन शुरू हो चुका है, पाठ पूजा करना शुरू कर दो, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बाय बाय। हम तुम्हें देखकर हैरान नहीं हुए वीर सिंह, और तन्ने देखकर कोई खास परेशानी हमको भी ना हुई, वही पुराना रंग वही ढंग वही मिजाज वही घमंड, वो तो था और है और हमेशा रहेगा। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा।